हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या डिफरेंस होता है टू सीसी और वीसीसी। जब आप ईमेल सेंड करते हो तो क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो मैं हूं दोस्तों के एंड के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू बीसीसी एंड सीसी व्हाइल सेंडिंग द ईमेल। तो मैं हूँ जीमेल अकाउंट के अंदर है, मैंने कंपोज पे क्लिक किया है तो ये पॉपअप आया जिसमें मैं ईमेल सेंड करूंगा। इसमें तीन ऑप्शंस है आपके, राइट, टू सीसी बीसीसी। इसको मैं क्लोज कर दूँ और फिर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऐसा आता है। तो टू बाई डिफॉल्ट होता है। टू में आपको वैसे लोगों का ईमेल एड्रेस डालने हैं जो इंटेंडेड रेसिपियंट्स होता है, जिनको बेसिकली आप ईमेल डायरेक्ट सेंड करना चाहते हो जो इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप चाहते हो कि कार्बन कॉपी इन्फॉर्मेशन के रूप में उन किसी और को भी पास करना। जैसे आप अपने कलीग को ईमेल सेंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप अपने टीम लीड का भी ईमेल एड्रेस डालने का, तो वो आप सीसी में डाल सकते हो। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। और यहाँ देख रहे हो बीसीसी है, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप ये चाहते हो कि जो आपने यहाँ टू में वैसे लोग का ईमेल डाला जिसको आपको डायरेक्ट ईमेल सेंड करना है, सीसी में जस्ट एक कार्बन कॉपी सेंड कर रहे हो जैसे आपके इमीडिएट सीनियर से, सीनियर को जैसे टीम लीड को, और आप चाहते हो कि उनके भी सीनियर है जैसे मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो, उनका भी ईमेल आप डालना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि जो लोग टू में और सीसी में है उनको पता नहीं चले कि किसी और को भी ईमेल गया है, तो वैसे ईमेल एड्रेसेस को आपको बीसीसी में डालने होते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब टू वाले को पता होगा कि सीसी में कौन कौन है, सीसी वालों को भी पता होगा टू में किन किन के लोगों का ईमेल एड्रेसेस है, लेकिन टू और सीसी में जो भी ईमेल एड्रेसेस है वो बीसीसी वालों के, टू और सीसी में जितने भी ईमेल एड्रेसेस है उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा सीसी में किन लोगों का ईमेल एड्रेसेस मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ब्लाइंड, इसीलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी मैंने यहाँ फिल कर रखा है, राइट, आप यहाँ देखोगे तो टू में मैं एक जीमेल एड्रेस दिया हूँ, तो बेसिकली मैं जिसको मैं मैसेज डायरेक्टली सेंड करना चाहता हूँ उसका मैंने टू में रख दिया। ऑफकोर्स टू में एक से ज़्यादा ईमेल भी आप डाल सकते हो और सीसी में भी एक से ज़्यादा ईमेल डाल सकते हो और बीसीसी में भी एक से ज़्यादा ईमेल डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ईमेल सेंड करता हूँ तो टू और सीसी वाले सभी देख सकते हैं कि टू वाले जितने एड्रेसेस है वो सभी का ईमेल एड्रेसेस देख सकते हैं जो टू में है और सीसी में है, लेकिन बीसीसी में किन किन लोगों का ईमेल एड्रेसेस है इनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और भी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं, जैसे बीसीसी में मैंने दो ईमेल एड्रेस रखा है, तो बीसीसी में बीसीसी वालों को जैसे टू और सीसी में है सभी का ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, लेकिन बीसीसी में दो लोगों का ईमेल एड्रेसेस है, राइट, तो ए जैसे बॉब का है और रॉकी का है दोनों बीसीसी में, तो बॉब रॉकी का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकता है और रॉकी बॉब का ईमेल एड्रेस भी नहीं देख सकता है, दोनों एक दूसरे का नहीं देख सकता है क्योंकि दोनों बीसीसी में मार्क है। तो ये थे कुछ इंफॉर्मेशन टू सीसी और बीसीसी से रिलेटेड जब आप ईमेल सेंड करते हो। दोस्तों ये मेरा जीमेल अकाउंट है, लेकिन आप कोई भी ईमेलिंग सिस्टम यूज करते हो, आउटलुक भी यूज करते हो, हॉटमेल यूज करते हो या कोई भी ईमेल सिस्टम यूज करते हो, तो वहाँ टू सीसीसी एंड बीसीसी का मीनिंग यही होता है, मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आपको समझ में आ गया होगा टू सीसी और बीसीसी का क्या मीनिंग होता है जब आप ईमेल सेंड करते हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो ये थे छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही ये जानकारी इंपॉर्टेंट रखता है। और कुछ बातें बता दूं, जैसे कि आप अपने ऑफिस में काम करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई फेस्टिव सीजन होता है, आप सभी को विशेस करना चाहते हो, तो कभी कभी बहुत सारे कलीग ऐसे करते हैं टू में खुद का ईमेल एड्रेस रख देते हैं, बीसीसी में सारे लोगों का ईमेल एड्रेस रख देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि बीसीसी में इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि किस किस को आपने ईमेल एड्रेस सेंड किया है, किस किस को ईमेल सेंड किया है। तो ये सब एक समझदारी की बात होता है। इससे क्या होता है कि दूसरे के जैसे रिप्लाई होगा तो
जितने भी बीसीसी में है उनको ईमेल नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि बीसीसी में जितने भी लोग हैं उनके बेसिकली इनबॉक्स स्पैम नहीं होता है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, बीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी इससे रिलेटेड, जब आप ईमेल सेंड करते हो टू सीसीसी बीसीसी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो के हिंदी ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि बाकी के लोग भी समझ पाए क्या डिफरेंस होता है टू सीसीसी या बीसीसी में जब ईमेल सेंड करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।